गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज़ अमित सिंह शेखावत। कल हमने एक प्रोग्राम असाइनमेंट दिया था हमने, जिसमें हमें एक मैट्रिक्स के डायगनल एलिमेंट का सम करना था। आज हम उस प्रोग्राम को रन कराकर देखेंगे। तो इसको हम दो टाइप से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टाइप, जो प्रोग्राम आपके सामने अभी लिखा हुआ है, वो एक पहली अप्रोच है इसको सॉल्व करने की। और दूसरी अप्रोच हम इसी वीडियो में एक और प्रोग्राम बना के देखेंगे, जहाँ से हम उसे सॉल्व करेंगे। तो हमें एक मैट्रिक्स के डायगनल एलिमेंट का सम करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुई तो उसका मेन डायगनल भी नहीं होगा। सो हमने 3x3 के एक मैट्रिक्स ली, उसके सारे एलिमेंट हम पहले स्टोर करवाएंगे। तो जो लूप हम जो अप्रोच हम पहले से यूज करते आ रहे हैं, i=0<3>, i++, j=0, j<3>, तो हमारे पास यहाँ पर 9 एलिमेंट हम इंसर्ट करेंगे। अब डायगनल एलिमेंट का सम कराने के लिए वापस हम वही दो लूप यूज में लेंगे, सेम लूप i=0 से 3 और j=0 से 3। मेन डायगनल एलिमेंट कौन से होते हैं सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा। तो जहाँ पर हमारे i और j की वैल्यू सेम होगी उसको बोलते हैं मेन डायगनल एलिमेंट्स। तो जब भी हम लूप चलाएंगे और वहाँ जिस भी पोजीशन पे आई और जे की वैल्यू सेम होगी, हम उस एलिमेंट को हम सम में स्टोर कर लेंगे। सम जो हमारा वेरिएबल एस है, तो एस की हम इनिशियल वैल्यू हम 0 लेंगे, तो पहला एलिमेंट जो मेन डायगनल का होगा वो होगा 0 0, जहाँ पर आई और जे दोनों की वैल्यू 0 होगी, तो सम में वो वैल्यू ऐड हो जाएगी, दैट इज 0 0, a 0 0। और वो एलिमेंट उसके बाद जो नेक्स्ट मेन डायगनल एलिमेंट होगा वो होगा 1 1, और जो थर्ड एलिमेंट होगा वो होगा 2 2। तो इन तीनों का सम होने के बाद हमने इस प्रोग्राम को पहले कंपाइल किया, यहाँ पर कोई वार्निंग कोई एरर नहीं है। नाउ अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करवाएं। कंपाइल कराने के बाद हम 9 एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, जो हमने फॉर एग्जांपल सारे एलिमेंट की वैल्यू अपन ने 1 ले ली। तो मेन डायगनल के एलिमेंट कौन से होंगे, a 0 0, a 1 1 एंड a 2 2। तो इन तीनों की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो सम की हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी 3, जो कि हमारा मेन डायगनल एलिमेंट का सम होगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसके बाद हम इसी प्रोग्राम को सेकंड अप्रोच से सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमें नेस्टिंग ऑफ लूप्स की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई और जे की जहाँ पर कॉमन वैल्यू होती है वही एलिमेंट हमें इंसर्ट करने हैं। तो हम जे को हटा के आई ही एक ही लूप से हमारा काम हो जाएगा। तो सम की वैल्यू अपन ले लेंगे यहाँ पर a i i, मीन्स जब i की वैल्यू 0 होगी तो 0 0 ऐड हो जाएगा, जब 1 होगी तो 1 1 ऐड होगा, और 2 होगा तो 2 2 ऐड हो जाएगा। तो i का लूप चलेगा 0 से लेकर 3 तक, और जो स्क्वायर मैट्रिक्स का जो एडिशन मेन डायगनल एलिमेंट करवाना है वो a 0 0, a 1 1 और a 2 2, तीनों हमारे सामने इस लूप से हम ऐड कर लेंगे। सम की इनिशियल वैल्यू हमारे पास 0 रहेगी। तो उसके बाद एस में हमारा फाइनल सम कैलकुलेट होके आ जाएगा, और फाइनल वैल्यू जो एस में आएगी उसे हम प्रिंट करा देंगे, जो कि हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट है। तो एस की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो मेन डायगनल एलिमेंट का सम आएगा। नाउ सो दिस वॉज द सेकेंड अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आप किसी भी टाइप से इस प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हो। इससे पहले हमने प्रोग्राम किया था फर्स्ट, उससे भी कर सकते हो और सेकेंड से भी कर सकते हो। ज़्यादा बेटर सेकेंड वाला है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक ही लूप चल रहा है, यहाँ पर हमें दो लूप चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे। पहले हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करवाते, कंपाइल कराने के बाद हम इस प्रोग्राम को रन करवाएंगे, और रन कराने के बाद हमें 9 एलिमेंट इंसर्ट करने होंगे। और 9 एलिमेंट इंसर्ट करने के बाद जो इस डायगनल एलिमेंट होगा उनका हमारे सामने सम एज ए आउटपुट हमें शो हो जाएगा। सो हमने इसे कंपाइल किया, देर इज़ नो एरर, नो वार्निंग। नाउ वी विल एग्जीक्यूट, वी विल रन द प्रोग्राम। और वापस हमने वही 9 एलिमेंट इंसर्ट किए, सबकी वैल्यू हमने 1 दे दी, तो अगेन हमारा आउटपुट आ गया 3। तो ये हमारी सेकेंड अप्रोच थी जिससे हमने ये प्रोग्राम सॉल्व किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रोग्राम। वी कैन सॉल्व दिस प्रोग्राम बाय 2 वेज। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज अमित सिंह शेखावत।